नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। नालासोपारा प्लास्टिक कंपनी में आग से लाखों का नुकसान, 3 गंभीर घायल। नालासोपारा के चौधरी धर्मकांटा के सामने एक प्लास्टिक कंपनी में कल एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है। इस आग से 3 लोग जख्मी हो गए, जिन जख्मी लोगों को उपचार के लिए नज़दीकी अस्पताल भेजा गया। इस आगजनी से लाखों के माल का नुकसान होने की बात भी सामने आई है। आग लगने के बाद काफ़ी समय तक फायर ब्रिगेड के घटनास्थल पर नहीं पहुंचने के चलते स्थानिकों में काफ़ी नाराजगी भी देखी गई। सूत्रों की माने तो आग लगने के 2 घंटे तक भी फायर ब्रिगेड वहाँ नहीं पहुँच पाई थी। आग लगने के बाद पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थानिकों को काबू में करके वहां से हटाते नजर आए। साथ ही यातायात भी बाधित न हो और किसी को नुकसान न हो, इसका भी ख्याल पुलिस रख रही थी। देर से ही सही, लेकिन फायर ब्रिगेड की टीम ने आकर अंत में मोर्चा संभाला और आग को काबू किया। तब कहीं स्थानिकों व पुलिस अधिकारियों ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। कांग्रेस कमेटी, हाँ, वो ज्यादा एक बंदा ज्यादा चल चुका है। 70% जितने 2 चले हुए और 3 बंदे भी, शायद संडे था तो इसकी वजह से 3 बंदे ही आए हुए थे। 3 बंदे आए हुए थे, हाँ। तो वो मुझे नहीं पता कि आग कैसे लगी, लेकिन बहुत ज्यादा आग लगी हुई देखो। वहाँ पे कैमरा दिखाई, अभी मैं दिखाया पूरा, ये कैमरा भी मैं दिखा रहा हूँ जिस हिसाब से ये आग लगी हुई है। और अभी वो फायर ब्रिगेड नहीं आया, अभी हमने देखे रास्ते पे था। तो इलाज अच्छी तरह से हो जाए और ये शॉर्ट सर्किट हुई है, शॉर्ट सर्किट से हुई है। आज आग लगी है, 1.5 से 2 घंटा हो गया, अभी तक कोई फायर ब्रिगेड आई नहीं है। 1.5 से 2 घंटा हो गया, फायर ब्रिगेड अभी तक कोई नहीं आई है। क्यों, क्या, कितने लोग थे अंदर काम कर रहे थे? काम करने वाले थे 3 लोग। किसी का ऐसा कुछ घटना या कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? आदमी सेफ निकल गए कि नहीं निकल? दो आदमी थोड़ा झुलसे हैं, झुलस गए। उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया? आश्रम में आदमी लोग हैं, आश्रम में आदमी लोग हैं। पुलिस वाले लोग भी 2 घंटे के बाद आए, 1.5 घंटे के बाद। यानी जैसे आग लगी वैसे ही आप लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया था? हाँ, जैसे ही किसको दिए थे